नमस्कार, चड्डा सेल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपने चड्डा सेल्स की नई डिवाइस मिल्क एनालाइजर मास्टर क्लासिक LM2 DPS का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। ये बहुत एक कॉम्पैक्ट कलेक्शन यूनिट है जिसके अंदर DPS इनबिल्ड है, प्रिंटर है। इस डिवाइस में सबसे पहले हम ऑन करके देखते हैं, इसमें चार फीचर्स आपके सामने दिखाई देते हैं, ऑप्शंस होते हैं जो मेजरमेंट, रिपोर्ट, डाटा मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन। इस डिवाइस में सबसे पहले हम उन लोगों के नाम ऐड करते हैं जो लोग हमको दूध देते हैं, गांव के जो दूध देने वाले भाई लोग हैं उनके नाम ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए डाटा मैनेजमेंट ऑप्शन में एंटर करते हैं। यहाँ पे ऐड वेंडर का ऑप्शन हमको दिखाई देगा, ऐड वेंडर एंटर। सबसे पहले आपको दिखेगा ऊपर की लाइन में कोड डाल देंगे, ऑटोमेटिक रहता है। एक पार्टी का नाम है राम कुमार, इस पार्टी का नाम पहले से पड़ा हुआ है, मैं यहाँ नाम भी बदल सकता हूँ, रमेश। ये देखिए सर, आपका नाम रमेश कुमार कर दिया। कुछ और नाम है तो हम वो भी कर सकते हैं डिलीट करके, कुछ नहीं करना, एंटर। मोबाइल नंबर है तो डालो, नहीं है तो कोई बात नहीं, एंटर। नाम सेव होने के बाद कोड 2 आ गया, कोड 2 पे फिर नाम डालते हैं एक राजेश, एंटर। इस तरीके से हम नाम ऐड करते हैं। वापस जाएंगे कीबोर्ड की एस्केप की से। सेकंड ऑप्शन आता है रेट चार्ट, जो लोग हमको दूध देते हैं उन्हें किसी रेट चार्ट पे दूध देना पड़ेगा। रेट चार्ट के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे। सेकंड ऑप्शन होगा रेट जनरेशन, इस ऑप्शन पर एंटर करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ये पासवर्ड ऑटोमेटिक होता है, जिसको पता है वही बता सकता है, हर किसी को नहीं पता होता। हम यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं, ओपन हो जाएगा। रेट चार्ट डालने के लिए लिख के आएगा वेंडर रैंक, इसमें तीन तरह के रेट चार्ट डाल सकते हैं, और एक स्पेशल एडिशन ऑप्शन है मैनुअल रेट चार्ट, वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। अब रेट चार्ट के लिए हमको, आपको साथियों यहाँ पे दिखाई दे रहा है फैट की रेंज, मिनिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज। फैट का मिनिमम रेंज 2.0, एंटर। मैक्सिमम रेंज 5.0, एंटर। SNF की मिनिमम रेंज 6.0, मैक्सिमम रेंज 12.00। KG फैट, KG SNF, ये सर KG रेट डाल दिया है हमने, जो फैट की वैल्यू होती है, जो हर कलेक्शन सेंटर वालों को पता हो। KG SNF ये वैल्यू भी डालते हैं। ये प्रोसेस दोनों में होता है, मिनिमम रेंज अब बफलो की स्टार्ट होती है, मिनिमम 5.1, मैक्सिमम 12.0, SNF 6.0, मैक्सिमम SNF 12.0। इससे कम या ज़्यादा का जो दूध होता है उसका रेंज नहीं लगता। यहाँ भी हम उसी तरीके से KG फैट डालेंगे। ये प्रोसेस 100% होने पर रेट चार्ट डल जाता है। दूध का कलेक्शन कैसे किया जाता है देखिए सर, दूध को स्टर करेंगे, स्टर करने के पश्चात इस दूध को मशीन में लगाया जाएगा। मेजरमेंट ऑप्शन पर एंटर करेंगे, वेंडर रैंक आएगा जो हमने रेट चार्ट डाला था, वेंडर रैंक 1। कोड हमने जो नाम डाले थे उनमें से कोई एक कोड हम सिलेक्ट करेंगे, काउ मिल्क, एंटर। सबसे पहले आया दूध का टेम्परेचर 22.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्क्रीन पर फैट, SNF, रेट चार्ट और वेइंग स्केल की इंडिकेटर पर जो वजन शो हो रहा है 7.09 भी इसमें आ रहा है क्वांटिटी के रूप में। सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे और प्रिंट आउट मिलेगा हमको। इस तरीके से होता है कलेक्शन। इसके बाद स्लिप प्रिंट होने के तुरंत बाद ही कांटा ऑटो टेयर हो जाएगा, जो वेट वैल्यू रखी होगी वो कांटे से जीरो हो जाएगी, ऑटोमेटिक जीरो होगी, ये हर बार होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने एक शिफ्ट में सुबह के टाइम कितना दूध कलेक्ट किया, इस ऑप्शन के लिए रिपोर्ट पर जाएंगे, एंटर किया, ऑप्शन आया शिफ्ट एंड समरी। यहाँ डेट आ रही है, महीना आ रहा है, ईयर आ रहा है, लेकिन शिफ्ट में मॉर्निंग आ रहा है, इस चीज को हम चेंज कर सकते हैं, और एंटर करेंगे तो रिपोर्ट निकल कर आएगी जो एक शिफ्ट में कितने लोगों ने आपको दूध दिया है और टोटल कितना दूध आपने कलेक्ट किया है। ये देखिए साथियों, स्लिप आई है निकल के क्वांटिटी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, और अधिक जानने के लिए चड्डा सेल्स के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।